वेलकम टू माय चैनल राजवेब स्किल में। राजवेब स्किल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को HTML ट्यूटोरियल में जितने भी टैग्स आते हैं उस टैग का डिफिनीशन और स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राजकुमार और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले HTML की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि HTML होता क्या है। What is HTML? देखिए, HTML क्या होता है। HTML stands for Hyper Text Markup Language। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML describes the structure of a web page। यानी कि HTML के द्वारा हम लोग जितने भी HTML का टैग यूज करते हैं उसके द्वारा हम लोग एक वेब पेज का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं HTML के द्वारा। HTML consist of a series of elements। HTML एक कंटेंट करता है, मतलब एक अलग अलग HTML एक सीरीज बाई सीरीज एक कंटेंट करता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग HTML समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे टैग दिया हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है। डॉक टाइप HTML, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग के अंदर मैंने कुछ मैसेज दिया हुआ है, फिर मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया हुआ है। बॉडी टैग स्टार्ट किया है, उसमें हम लोग H1 टैग का यूज किया है जिस पर मैंने माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है। फिर पैराग्राफ टैग का यूज किया है, फिर बॉडी टैग का मैं यूज किया है, फिर HTML को लास्ट में मैं क्लोज कर दिया है। अब इस प्रोग्राम इस कोड को मैं रन करके देखता हूँ और इसके बाद हम लोग टैग के बारे में समझते हैं। देखिए, सिंपल क्या करना है, इस कोड को आप लोग को कॉपी करना है। इसको आप लोग को कॉपी मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको लिखा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान से देखकर अच्छे से लिख लीजिएगा। कंट्रोल सी मैंने किया। कंट्रोल सी के बाद आपको देखिए HTML के कोड को रन कराने के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सा एडिटर मैं यूज कर रहा हूँ उस एडिटर का नाम मैं बता रहा हूँ। उस एडिटर का नाम है Notepad++। देखिए, Notepad++ को आप लोग सिंपली गूगल क्रोम से जाकर वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं Notepad++। और भी बहुत सारे मार्केट में एडिटर पड़े हैं, उस पर भी आप लोग इस कोड को लिख कर रन करा सकते हैं। तो चलिए, मैं Notepad++ यूज करता हूँ इसलिए मैंने Notepad++ मैंने ओपन किया। और इसमें सिंपली आपको जाना है और इसमें जो आपने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, पेस्ट करने से पहले आपको इसमें क्या करना है, इस कोड को कहीं पे सेव करने के लिए आप लोग को एक फोल्डर बनाना है। को कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फाइल में जाना है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और जो आपने कोड मैंने अभी कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, न्यू पहले टैग ले लीजिएगा, न्यू में आप कोड को लिखिएगा, उस कोड को सेव करने पर कंट्रोल के साथ एस प्रेस कीजिए और इसको आप एक पार्टिकुलर ड्राइव यानी कि सी ड्राइव में आप एक ये फोल्डर बना लीजिए। सी ड्राइव में आप एक फोल्डर बना कर इसको सेव कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे HTML ऑल प्रोग्राम के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। मैंने इसको क्लिक किया और इसमें आपको इस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट मेरा प्रोग्राम है तो मैंने first.html के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, first.html। या फिर आप एक प्रोग्राम मैंने पहले भी लिखा था इसलिए first2.html के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। सेव पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये हाईलाइट हो गया। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जो आपका कोड है टैग कोड में जो टैग है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको सिंपली इसको रन कराने के लिए आपको क्या करना है, रन पे जाना है, रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद देखिए, इस कोड को रन कराने के लिए एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, वेब ब्राउज़र में बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे फायरफॉक्स होते हैं, क्रोम होते हैं, सफारी होते हैं, तो इसमें बहुत सारे ब्राउज़र आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि क्रोम में इसको रन कराइए। तो देखिए, यहाँ पर लॉन्च इन क्रोम दिया है, लॉन्च इन क्रोम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करेंगे तो देखिए, इस जो मैंने कोड लिखा था उसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे H1 टैग का मैंने यूज किया था, माई फर्स्ट हेडिंग आ रहा है। फिर पैराग्राफ टैग का यूज किया था, माई फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है। यानी कि इस तरह से आप लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब इस कोड में जो जो टैग आया था उस टैग को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन यानी कि डॉक टाइप HTML आया था,
तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डॉग टाइप एचटीएमएल होता क्या है। देखिए डॉग टाइप एचटीएमएल डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन एचटीएमएल 5 डॉक्यूमेंट। यानी कि अभी जो आप एचटीएमएल जो सीख रहे हैं ये मतलब मैं बता रहा हूँ या फिर पहले से भी एचटीएमएल 5 आ गया है। देखिए एचटीएमएल 5 में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो डिक्लेरेशन करते हैं वो डॉग टाइप एचटीएमएल हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। नेक्स्ट है एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग क्या होता है? एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल पेज। देखिए जिस तरह से ट्रीज देखते हैं, जिस तरह से घर देखते हैं, घर में न्यू दिया जाता है, उसी तरह जो ट्री होता है उसके नीचे रूट होता है, उसी तरह इसमें जो प्रोग्राम होता है, कोड होता है, वो एचटीएमएल टैग से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोग एचटीएमएल टैग को हम लोग रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेड टैग है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? एलिमेंट्स कंटेंस मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल का जो भी कोड लिख रहा है उसमें जो हेड आता है, हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन को आप लोग कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल। अब व्हाट इज टाइटल टैग? टाइटल टैग क्या होता है? एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल फॉर द एचटीएमएल पेज। यानी कि एचटीएमएल पेज में, एचटीएमएल पेज क्या करता है, ये इसके टाइटल को, टाइटल के एलिमेंट को स्पेसिफाइज करता है एचटीएमएल पेज में। मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है। देखिए इसमें मैंने टाइटल टैग में लिखा है पेज टाइटल। अब इस कोड को रन कराने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर दिखता है। लॉन्चिंग क्रोम पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो ये टाइटल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पेज टाइटल यहाँ पे लिखा है पेज टाइटल। ये पेज टाइटल आपको टाइटल बार में देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। टाइटल समझने के बाद नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट इटीसी। यानी कि बॉडी टैग के अंदर हम बोले तो बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ्स, हेडिंग, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, टेबल, लिस्ट, ये सब हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है H1 टैग। H1 टैग क्या होता है? देखिए एलिमेंट्स डिफाइंड ए लार्ज हेडिंग। अभी मैंने जो कोड लिखा था उसको रन में कराया, तो आप तो देखिए कि उसका जो हेडिंग आया था वो उसका साइज अलग था। तो H1 टैग का हम लोग यूज करते हैं लार्ज हेडिंग के लिए। अपने पेज पे हेडिंग को 12 दिखाने के लिए हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं। अब इसके बाद पी टैग आता है। पी टैग, अभी मैंने पी टैग भी दिखाया था। पी टैग को हम लोग एलिमेंट्स डिफाइन से पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट, व्हाट इज एचटीएमएल एलिमेंट? एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है? देखिए एन एचटीएमएल एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन इन टैग। देखिए एचटीएमएल एलिमेंट हम बोले तो जितने भी टैग दिखते हैं, जितने भी टैग आप लोग यूज करते हैं, H1 टैग, पी टैग या फिर बॉडी टैग, इस सब क्या होता है, एचटीएमएल एलिमेंट होता है। और एचटीएमएल एलिमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले उस टैग का नाम देते हैं, फिर उसके अंदर वो टैग के, जैसे टैग के अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं, फिर टैग को हम लोग जिस नाम से टैग बनाया है उस टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैग का नाम, जैसे मैं यहाँ पे टैग का नाम H1 टैग दिया, फिर मैंने यहाँ पे H1 टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा, माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, फिर मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया। तो ये क्या होता है, जो H1 टैग है यही HTML एलिमेंट होता है। जितने भी टैग होते हैं सब HTML एलिमेंट होता है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द इन टैग। यानी कि HTML एलिमेंट के अंदर जो स्टार्ट टैग करते हैं और इन टैग, उसके अंदर आप लोग बहुत बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये मैसेज लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत कुछ आप लोग HTML एलिमेंट के अंदर ही सब डिफाइन कर सकते हैं। टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो ये सब एलिमेंट के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H1, जैसे कि हेडिंग के लिए,
एस टू सेकेंड हेडिंग के लिए, पी टैग यानी कि पैराग्राफ के लिए, ये सब एच टी एम एल एलिमेंट होता है। अब ये बात आती है कि एडिटर, जितने भी हम लोग जो कोड लिखेंगे उसको किस एडिटर में हम लोग उसको जाके वहाँ पे कोड को लिखेंगे फिर उसको रन कराएंगे। तो एच टी एम एल एडिटर्स होता क्या है, ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न एच टी एम एल। देखिए अभी मैं आपको बोलूँ कि अगर सबसे सिंपल एडिटर का आप लोग यूज कीजिए अगर एच टी एम एल सीख रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग नोट पैड प्लस प्लस का यूज कीजिए। वो बहुत ही सिंपल होता है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्केट में और भी बहुत सारे एडिटर यूज होते हैं, बट मैं अभी अगर आप एच टी एम एल सीख रहे हैं तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि सबसे पहले आप लोग नोट पैड प्लस प्लस का यूज कीजिए। अब जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल जैसे डॉक टाइप एच टी एम एल, ये मैंने अभी आपको बताया था, फिर से मैं आपको दोबारा मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप नोट पैड प्लस प्लस ओपन करेंगे, इस कोड को जो मैंने दिखाया है उसको सिंपली आपको देख के अच्छे से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है, जैसे मैंने सेव किया था कंट्रोल एस, फिर आपको फोल्डर बनाना है, फिर उस फोल्डर के अंदर आपको ये नाम लिखना है, जैसे फर्स्ट टू डॉट एच टी एम एल। ध्यान रखिएगा कि एच टी एम एल का जो भी कोड लिखिएगा उसका एक्सटेंशन में डॉट एच टी एम एल का यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूँगा, रन पे क्लिक करने के बाद लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करूँगा, देखिए इसका आउटपुट आ गया। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एच टी एम एल एडिटर्स हम लोग समझ लिए, अब एच टी एम एल एडिटर्स के बाद आता है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स। ऑल एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। देखिए एच टी एम एल जो एच टी एम एल में डॉक्यूमेंट जितने भी स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के यूज करते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल, क्योंकि एच टी एम एल फाइव अभी सीख रहे हैं और एच टी एम एल फाइव का जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होता है वो डॉक टाइप एच टी एम एल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स इट सेल्फ बिगिंस विद एच टी एम एल टैग एंड एंड्स विद एच टी एम एल टैग क्लोज। यानी कि देखिए अगर कोई भी टैग का आप लोग अगर स्टार्ट करते हैं, अगर तो जैसे एच टी एम एल से स्टार्ट किया एच टी एम एल टैग से, तो आपको एंड करना है स्लैश एच टी एम एल लिखकर, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी टैग। देखिए यानी कि जो एच टी एम एल टैग के अंदर एच टी एम एल का अगर आप लोग पेज बना रहे हैं तो जो इसका जो विजिबल पार्ट होता है वो टोटल हम लोग लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक एच टी एम एल हेडिंग्स। एच टी एम एल हेडिंग्स क्या होता है, देखिए एच टी एम एल हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द एच वन टैग टू एच सिक्स टैग्स। यानी कि हम लोग एच टी एम एल का एच टी एम एल के पेज में हेडिंग बनाने के लिए अगर लार्ज बनाना है तो उसके लिए हम लोग एच वन टैग का यूज करते हैं, उससे भी स्मॉल बनाना है तो एच टू टैग का, उससे भी स्मॉल बनाना है तो एच थ्री टैग का, यानी कि इस तरह से हम लोग हेडिंग का यूज करते हैं। देखिए आप लिखा है एच वन टैग डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। देखिए एच वन टैग का डिफाइन करके हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग बना सकते हैं। एच सिक्स डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। देखिए एच सिक्स से हम लोग एक छोटा सा हेडिंग बना सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, एच वन टैग भी इम्पोर्टेंट है, इसका टोटल जो टैग होता है वो सभी इम्पोर्टेंट होता है अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डॉग टाइप एच टी एम एल दिया है, एच टी एम एल टैग बॉडी टैग के अंदर देखिए इसका विजिबल पार्ट इसी को बोलते हैं, इसके अंदर हमने यूज किया एच वन टैग एच टू टैग। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है, चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोड लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख कर अच्छे से लिख कर फिर नोट पैड प्लस प्लस में लिखिएगा और उसके बाद आप लोग इसको रन करा के देखिएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, आप देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग लिखिएगा, अब इसको मैं कंट्रोल एस करने के बाद सेव हो गया, फिर इसको रन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद लॉन्च इन क्रोम पे। जैसे ही लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो एच वन टैग का यूज किया है वो लार्ज आ रहा है, एच टू टैग का यूज किया है उससे स्मॉल आ रहा है, एच थ्री टैग का यूज मैंने किया तो उससे भी स्मॉल आ रहा है, एच फोर टैग का मैंने यूज किया तो उससे भी स्मॉल आ रहा है। यानी कि ये देखिए सबसे जो लार्ज हेडिंग के लिए हम लोग एच वन का यूज करते हैं एच वन टैग का, और सबसे स्मॉल हेडिंग बनाने के लिए हम लोग एच सिक्स टैग का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा एच टी एम एल हेडिंग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एच टी एम एल पैराग्राफ्स। एच टी एम एल पैराग्राफ्स क्या होता है,
देखिए HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द पी टैग, यानी कि अगर आपको HTML पेज में अगर आपको पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग बचपन में जो भी आपके टीचर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज लिखवा रहे हैं तो आप लोग पैराग्राफ छोड़ के लिखते थे, याद है कि नहीं याद है? तो उस पैराग्राफ को बनाने के लिए हम लोग इसमें पी टैग का यूज करते हैं, ठीक है? HTML के पेज में जो भी हम लोग मैसेज लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ देने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कोड, इसको ध्यान से आप लोग लिखिएगा और अच्छे से आप लोग नोटपैड प्लस प्लस पे लिख लीजिएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल इसको नोटपैड प्लस प्लस पे मैं पेस्ट करके देखता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आता है, ठीक है? आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और अच्छे से आप लोग यूज कीजिएगा ताकि आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंट्रोल भी मैंने यहाँ पे किया और देखते हैं इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। रन पे क्लिक किया, लॉन्चिंग क्रोम पे देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। यानी कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट लिख कर आप लोग पैराग्राफ दे सकते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ से लिखना है तो आपको सेकेंड पी टैग लिखना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा ये भी टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा HTML लिंक्स। देखिए लिंक्स क्या होता है, लिंक्स का मतलब जनरली अभी जनरल अभी में हम लोग समझे तो लिंक्स का मतलब होता है जैसे एक स्थान से दूसरे जगह जाना लिंक के थ्रू। वैसे यहाँ पे HTML पेज में क्या होता है, HTML पेज में भी लिंक्स होता है। HTML जैसे एक टेक्स्ट पे जैसे मैंने लिंक लगा दी, इस पर क्लिक करूँ तो दूसरी जगह पहुँच जाऊँ। तो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द ए टैग, यानी कि HTML लिंक्स को हम लोग एंकर टैग से डिफाइंड करते हैं। एंकर टैग यानी कि ए टैग को हम लोग एंकर टैग के भी नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है और इस कोड को देखिए ए जो है इसको मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली हैश लिख दे रहा हूँ। और देखिए एंकर टैग का मैंने यूज किया हुआ है और दिस इज ए लिंक पे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट पे लिंक। जैसे इसको हटाकर आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे माई नेम इज राजकुमार, ठीक है? मैंने अपना नाम लिखा और इस नाम पे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, सिंपली ए एच रेफ इक्वल टू हैश आप दे सकते हैं। या पे अगर दूसरे पे लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर मैंने माई नेम इज राजकुमार लिखा, फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना है, ध्यान देना है, फिर उसके बाद HTML टैग को लास्ट में क्लोज करना है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, आप लोग तो ध्यान से इस कोड को लिखिएगा, फिर नोट पैड प्लस प्लस पे अच्छे से इसको लिखने के बाद सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद रन कराइएगा। मैंने इस कोड को लिखा इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया, फिर इसको मैंने कंट्रोल सी करने के बाद नोट पैड प्लस प्लस में गए और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया यानी कि पेस्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो मैंने रन पे क्लिक किया, फिर लॉन्च इन क्रोम पे देखिए यहाँ पे माई नेम इज राजकुमार पे मेरा लिंक बन गया। लिंक कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए लिंक को पहचानने का ये रूल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखे थे और इस पे लेके जाइए, यहाँ पे कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इस पे ले जाइए, एक कर्सर ले जाइए, कुछ बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप जिस पे लिंक लगाए उस पे ले जाएंगे तो आपका फिंगर बन जाएगा, ऐसे उंगली का निशान जो होता है वो बन जाएगा। यानी कि इस पे आप लोग क्लिक करके दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिंक नहीं लगाया है, अगर इस पे जो भी लिखूंगा उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अभी फिलहाल यहाँ पे माई नेम इज राजकुमार पे लिंक बन गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फिंगर का प्रिंट बन रहा है। इस तरह से आप लोग एंकर टैग को भी समझ लिए यानी कि HTML लिंक्स को भी समझ गए हैं। ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग को जितना भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ। देखिए HTML में अभी ये सीरीज ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मतलब मैं आगे बताऊँगा, इसके बाद मैं CSS भी लाऊँगा। HTML जैसे सीरीज मेरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं CSS भी लाऊँगा, फिर उसके बाद JavaScript का भी एक ट्यूटोरियल लाऊँगा, फिर उसके बाद Bootstrap का भी ट्यूटोरियल लाऊँगा, फिर मैं आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी कि PHP भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए अब HTML इमेजेस आया है, यानी कि आप अपने जो HTML का पेज होता है उसमें इमेजेस कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा HTML इमेजेस। देखिए HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। HTML में अगर HTML के पेज में अगर आप लोग इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को इमेज टैग का यूज करना होगा। और द सोर्स फाइल SRC, इमेज टैग का मतलब जो सोर्स फाइल होता है वो SRC होता है, SRC के अंदर ही आप लोग को सोर्स लिखना है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, देखिए अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि बाय द वे अगर आप इमेज लगा रहे हैं अगर उसमें कुछ एरर आ गया नहीं आया तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट में जो ALT इक्वल टू लिखे हैं वो दिखाता है, वो शो होता है। एंड हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट, हाइट एंड विथ जो होता है ये सब एट्रीब्यूट को प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको अपने फोल्डर के अंदर एक इमेजेस, जिस भी इमेजेस को लगाना चाहते हैं HTML पेज में उसको लगा सकते हैं, बट वो आपके फोल्डर में इमेजेस होना चाहिए, अदरवाइज आपके HTML पेज में नहीं लगेगा। वो कैसे लगेगा चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर आप लोग मतलब इमेजेस लगाना चाहते हैं अपने HTML पेज में तो उसके लिए सिंपल आप लोग को ये कॉपी करना होगा, इस कोड को कॉपी कीजिए। देखिए मैंने लिखा है इसलिए इसको मैंने कॉपी किया, आप लोग ध्यान से इस कोड को देख के ही लिखिएगा, फिर उसके बाद नोटपैड प्लस में लिखने के बाद आप लोग रन कराइएगा। तो देखिए इमेजेस को लगाने से पहले आप लोग को सिंपल क्या करना है, आपको इमेजेस SRC में जो भी इमेजेस लगाना है उसके लिए आपको अपने फोल्डर में, जैसे अपने यहाँ पे जाइए और सी फोल्डर में, जैसे मैंने यहाँ पे सी फोल्डर में एक फोल्डर बनाया है HTML ऑल प्रोग्राम, इसी में मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग इसमें भी एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस नाम का, ठीक है। इसी इमेजेस में जितने भी इमेजेस आप लोग HTML का प्रोग्राम बनाएगा उसको सेव कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से ही आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को सीखने को मिलेगा। इस तरह आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने K3 के नाम से मैंने यहाँ पे एक इमेजेस सेव किया हुआ, किस कहाँ पे, देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया सी ड्राइव में, एक फोल्डर बनाया HTML ऑल प्रोग्राम, इस पर क्लिक करिए, इसके अंदर मैंने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया है, फिर इस पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंने K3 के नाम से मैंने एक इमेजेस सेव किया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा जिस जैसे इमेजेस का पाथ जैसे JPG में होगा तो JPG में आप लिखिएगा .jpg, अगर .jpg में होगा तो .jpg में लिखिएगा, png में होगा तो .png में लिखिएगा अपने कोड में, ठीक है। कैसे लिखिएगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इमेज src इक्वल टू जैसे w3 school.jpg, इसको हटा दीजिए, और मैंने HTML ऑल प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस फोल्डर बनाया है, और इस फोल्डर के अंदर जिस नाम से भी आपका इमेजेस होगा उसका नाम लिखिएगा। जैसे मैंने K3 के नाम से मैंने इमेजेस को सेव किया था, एक्सटेंशन उसका क्या है JPG में, तो .jpg लिखना है, ठीक है। देखिए ऑल्ट यहाँ पे लिखे हैं, अगर ये हमारे इमेजेस नहीं आ रहा है तो ये मैसेज हमको दिखाएगा, विथ और एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में इसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले इमेजेस देख लीजिए कि HTML पेज में आता है कि नहीं आता है। अब इसको मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से कीजिएगा इसको, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसको कॉपी किया, फिर कॉपी करने के बाद अपने नोट पैड प्लस प्लस एडिटर में गए और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। कंट्रोल भी करने के बाद कंट्रोल एस कीजिएगा, सेव हो जाने के बाद आप सिंपल रन पे जाइएगा, रन पे क्लिक करने के बाद लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे इमेजेस आ गया। अगर ये मेरा इमेजेस अगर गलत हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, K4 लिख दिया, K4 के नाम से मेरे इमेज फोल्डर में नहीं है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया और इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखिए इमेजेस नहीं आएगा, इमेजेस नहीं आया। देखिए इसके साथ यहाँ पे w3school.com जुड़ गया, यानी कि ये मैसेज ऑल्ट के साथ, अगर आप जो भी ऑल्ट के साथ यहाँ पे लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ राजकुमार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राजकुमार, ठीक है,
और देखिए इमेजेस नहीं आएगा तो इसके साथ ऑल ड्री उठ जाएगा। देखिए मैं रन करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर राजकुमार आ गया। इससे आपको पता चल जाएगा इमेजेस के साथ ये नाम आ रहा है, यानी कि आपको इमेजेस नहीं लगा वहाँ पे ऑल्ट के साथ राजकुमार नाम आ गया, इमेज लगेगा तो ये नहीं आएगा। अब देखिए कैसे, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे K3 के नाम से था, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ K3 डॉट। अब देखिए इसको सेव किया, अब इसको रन करा रहा हूँ। रन कराएंगे तो जो ऑल्ट में जो मैसेज लिखे हैं राजकुमार वो नहीं आएगा, देखिए नहीं आया है। आई होप ये इमेजेस SRC आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है HTML एलिमेंट्स। देखिए HTML एलिमेंट्स क्या होता है, द HTML एलिमेंट इज एवरी थिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द इन टैग। जो HTML एलिमेंट होता है उस वो क्या होता है, टैग जिस भी टैग से स्टार्ट होता है, सपोज इट मान के चलिए कि H1 से स्टार्ट हो रहा है, H1 टैग से स्टार्ट हो रहा है और H1 टैग से ही क्लोज होगा। अब इसके अंदर आप लोग सब कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैसेज आप लिख सकते हैं, इमेजेस को लगा सकते हैं इसके अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं टैग के अंदर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैग नेम लिखा है, जैसे H1 टैग हो गया, इसके अंदर कंटेंट आप लोग लिख सकते हैं, फिर H1 टैग को क्लोज कर सकते हैं। अब H1 टैग का यूज होता है माई फर्स्ट हेडिंग, अभी मैंने आपको बताया। P टैग का यूज होता है पैराग्राफ के लिए। ये सब HTML एलिमेंट होता है। इट हैज ए स्टार्ट टैग HTML एंड एन इन टैग हैज HTML। देखिए ध्यान दीजिएगा, HTML का अगर कोड लिख रहा है तो HTML स्टार्ट होता है HTML से और क्लोज होता है लास्ट में हैज स्लैश HTML से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देन इनसाइड द HTML एलिमेंट देयर इज ए बॉडी टैग एलिमेंट, यानी कि HTML टैग के अंदर बॉडी टैग एलिमेंट का यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। द बॉडी टैग एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मतलब जो बॉडी टैग एलिमेंट होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इट हैज ए स्टार्ट टैग बॉडी टैग एंड इन टैग स्लैश बॉडी, यानी कि किसी भी टैग को अगर जिस टैग से आप स्टार्ट कर रहे हैं बस उसके लास्ट उस टैग का नाम लिख दीजिए, उसके पहले स्लैश लगा दीजिए, वो टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनसाइड द बॉडी टैग एलिमेंट देयर आर टू अदर एलिमेंट्स। देखिए बॉडी टैग के अंदर मैंने जो अभी कोड लिखा है उसके अंदर मैंने H1 टैग का भी यूज किया, वो किसके अंदर है, बॉडी टैग के अंदर H1 टैग का यूज मैंने किया है, फिर P टैग का यूज किया है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बॉडी टैग की मैंने यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, अब बॉडी टैग का मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इसके अंदर H2 टैग का मैंने यूज किया, फिर P टैग का यूज मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पे द H1 टैग एलिमेंट्स डिफाइंस ए हेडिंग, यानी कि H1 टैग का हम लोग यूज करते हैं हेडिंग के लिए। इट हैज ए स्टार्ट टैग H1 टैग एंड इन टैग स्लैश H1, यानी कि हम लोग अभी बताएं कि कोई भी टैग अगर लिख रहा है उस टैग का नाम लिख दीजिए, सेम ही लास्ट में उस टैग का नाम लिखिए, बस उसके पहले आप स्लैश लगा दीजिए, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H1 टैग माई फर्स्ट हेडिंग, द P टैग एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ, ये मैंने आप पहले भी आपको बता चुके हैं। इट हैज ए स्टार्ट टैग P टैग एंड इन टैग स्लैश P, ये अभी आप लोग समझ गए, ये मैं आई होप ये HTML एलिमेंट्स आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं इम्पटी HTML एलिमेंट्स। देखिए इम्पटी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, इम्पटी का मतलब आप लोग समझ ही रहे खाली, और HTML एलिमेंट्स जैसे कि आपका जो भी टैग आएगा वो HTML एलिमेंट टैग के अंदर आएगा, वो सब HTML एलिमेंट्स होता है। HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड इम्पटी एलिमेंट्स, ऐसा मतलब HTML एलिमेंट्स जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं लिखे उसे हम लोग इम्पटी एलिमेंट्स बोलते हैं। जिससे सपोज इट मान के चलिए इम्पटी मतलब होता है खाली, अब जिस टैग के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेंट का हम लोग यूज नहीं करेंगे उसे हम लोग इम्पटी एलिमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे BR टैग के अंदर हम लोग कोई भी कंटेंट का यूज नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग इम्पटी एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर एक आता है HR टैग के अंदर भी हम लोग कोई कंटेंट का यूज नहीं करते, उसको भी हम लोग इम्पटी HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए अब BR टैग का यूज किस लिए करते हैं, BR टैग डिफाइंस ए लाइन ब्रेक, यानी कि BR टैग का यूज हम लोग लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कर्सर है, ये देखिए ये जो नीचे है इसी को हम लोग लाइन ब्रेक बोलते हैं, ठीक है,
इसका हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि बियर टैग से क्या होता है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। देखिए इसमें बियर टैग का यूज़ मैंने कहीं पे किया है, आप लोग ध्यान से लिखिए। दिस इज, मैंने यहाँ पे बियर टैग दिखिएगा, पैराग्राफ फीड लाइन ब्रेक, ये क्या होगा, दिस इज के बाद नीचे आएगा बियर, ये किसका कमांड है, बियर टैग का। अब इसको देखिए मैं करके देख रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और अपने एडिटर में जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। मैं अपने एडिटर में गया और इसको कंट्रोल भी मैंने किया, फिर उसके बाद कंट्रोल एस किया और इसको देखिए ध्यान से, बी आर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक कर लेगा यानी कि ये नीचे आ जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, देखिए दिस इज ए पैराग्राफ विद ए लाइन ब्रेक, यानी कि यहाँ से नीचे ला दिया है, इसी को हम लोग, इसी के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। देखिए HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जैसे P टैग यहाँ पे कैपिटल है, मीन्स द सेम एज P टैग आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। अब HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए HTML एट्रीब्यूट्स में बहुत ज़्यादा ही एट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में समझते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। देखिए HTML एट्रीब्यूट क्या करता है, ये इसके द्वारा आप लोग एडिशनल यानी कि उस एलिमेंट के अलावा अलग जो इंफॉर्मेशन होता है यानी कि अलग से आप लोग इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, वो किसके द्वारा, HTML एट्रीब्यूट के द्वारा। अब देखिए फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग समझ रहे हैं, जैसे कि ए HRF एट्रीब्यूट, HRF एट्रीब्यूट। अब HRF एट्रीब्यूट के क्या हो जाए, द एंकर टैग डिफाइंस ए हाइपरलिंक, द HRF एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, यानी कि ये मतलब HRF एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिंक लगाकर उस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे हम लोग जा सकते हैं, इसी को हम लोग HRF एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, देखिए इसमें ए HRF, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं लिंक लगा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिंक लगा दे रहा हूँ राजकुमार, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब विजिट W3S स्कूल, सॉरी जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लगाया है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे W3S स्कूल पे मैं चला जाऊँगा। जो भी साइट आप यहाँ पे लिंक लगाइएगा उस इस पर क्लिक कीजिएगा, उस साइट पे आप लोग पहुँच जाइएगा। अब देखिए मैंने इसको सिंपल मैंने कॉपी किया, आप लोग ध्यान से इसको लिखिएगा, मैंने कॉपी किया नोट पैड प्लस प्लस एडिटर को ओपन किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल भी किया, कंट्रोल भी करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल एस किया। अब इस पे रन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉन्च इन क्रोम पे गया, अब यहाँ पे लिखा है विजिट W3S स्कूल, जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा W3S स्कूल पे पहुँच जाऊँगा। देखिए W3S स्कूल पे मैंने पहुँच गया, है ना कमाल। अब इसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग SRC एट्रीब्यूट का यूज समझते हैं। अभी मैंने इसके पहले SRC एट्रीब्यूट का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया था, इमेज SRC इक्वल टू मैंने इमेज का वहाँ पे पाथ दिया हुआ था। तो देखिए द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज, यानी कि इमेज टैग का यूज करके आप लोग HTML पेज में इमेज को भी एम्बेड कर सकते हैं यानी कि ला सकते हैं। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड। देखिए SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, उस इमेज का पाथ लाता है, यानी कि इमेज का आप लोग पाथ लाइएगा तभी आपके HTML पेज में वो इमेज दिखेगा, अदरवाइज आप लोग पाथ नहीं लगेगा तो नहीं देख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार और मैं देख लेता हूँ, इस कोड को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, मैं अपने एडिटर में गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे ये इमेज गर्ल्ड और JPG मेरे फोल्डर में नहीं है, इसलिए इमेजेस नहीं आएगा। इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस लिखिए
और फिर इसके अंदर मैंने k3.jpg के नाम से मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस की और इसको रन करा रहे हैं। देखिए आ गया इमेजेस, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए 12 इमेजेस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मैंने हाइट एंड वेट दिया हुआ है, इसलिए आ रहा है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट समझता हूँ। देखिए इसके बाद जो है द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। इससे इसके बाद ज़्यादा टॉपिक नहीं है, विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स विच स्पेसिफाइज द विथ एंड हाइट ऑफ द इमेज। देखिए इमेज टैग में अगर इमेज को आप लोग 12 करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। जैसे विथ आप लोग 500px दे सकते हैं, जितना मन उतना आप लोग इमेज को 12 छोटा कर सकते हैं। किसके द्वारा? विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखिए विथ इक्वल टू 500, हाइट इक्वल टू 600। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विथ 500 एंड हाइट 600 मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने सेव किया और इसको रन कर रहे हैं। रन करने के बाद देखिए लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक, देखिए यहाँ पे इमेज 12 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है उसका नाम है द ऑल्ट एट्रीब्यूट। द रिक्वायर्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑफ फॉर एन इमेज इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैनॉट बी डिस्प्लेड। देखिए ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज के साथ इम्बेड होता है। अगर इमेज बाई द वे अगर नहीं आया तो जो ऑल्ट में आप लिखे हैं तो वो उसके साथ क्या हो जाता है? इम्बेड हो जाता है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज हिसाब से लिखे हैं और मैंने यहाँ पे ऑल्ट गर्ल विद ये जैकेट, अगर इमेज नहीं आएगा तो उसके साथ ये आपको मैसेज दिखेगा गर्ल विद ये जैकेट। मैंने इसके पहले आपको दिखाया था, ध्यान से उसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है द स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके आप लोग उसके एलिमेंट में आप लोग कलर दे सकते हैं और उसका आप लोग साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पी स्टाइल इक्वल टू कलर रेड मैंने किया हुआ है, कलर कलर रेड सेमी कलर, और इसमें मैंने इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं इमेजेस अपने एडिटर में जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं और फिर इसको हम पेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। रन पे मैंने क्लिक किया, रन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या, दिस इज अ रेड पैराग्राफ। देखिए आप पैराग्राफ में कलर भी देना चाहते हैं तो आप लोग कलर दे सकते हैं, किसके द्वारा? स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं द लैंग एट्रीब्यूट। देखिए लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है? लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द एचटीएमएल टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। यानी कि लैंग एट्रीब्यूट के द्वारा आप लोग अपने एचटीएमएल एलिमेंट में लैंग में जो भी लैंग्वेज लगाना चाहते हैं उसका आप लोग एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग इक्वल टू ईएन, और बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी टैग के अंदर आप लोग कंटेंट को कुछ पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यानी कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए en होता है, अगर यूएस में अगर लिखना चाहते हैं en.us होता है। तो इसको मैं पहले कॉपी करके देख रहा हूँ, कॉपी किया कंट्रोल सी, इसको ध्यान से आप लोग लिखिएगा, फिर नोटपैड प्लस प्लस में लिखने के बाद आप लोग रन कराइएगा, फिर देखिएगा क्या हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद देखता हूँ कि क्या आ रहा है,
मैंने टेस्ट किया, फिर इसको मैं रन करा रहा हूँ। रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है, जो कंटेंट लिखेंगे वो इंग्लिश में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइज इंग्लिश एज द लैंग्वेज एंड यूनाइटेड स्टेट एज द कंट्री। अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट एज कंट्री के यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज में सिंपल क्या करना है, ईएन डैश ईवीएस कर देना है। इसके बाद ईएन डैश ईवीएस करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट कंट्री का इंग्लिश आएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है उसका नाम है द टाइटल एट्रीब्यूट। देखिए टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है, द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। देखिए टाइटल एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप लोग उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल में डॉग टैग HTML, HTML टैग, बॉडी टैग, इसी यहाँ पे H2 टाइटल में IM हेडर, यानी कि इसको आप हेडर बता सकते हैं और इसको IM टूल टिप बता सकते हैं। चलिए मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करने के बाद देखते हैं किसका आउटपुट कैसा आता है। देखिए रन पे क्लिक किया, लॉन्चिंग बैग पे देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसको बता रहे कि ये हेडर है और इसको बता रहे हैं कि टूल टिप है, बस यही इसमें डिफरेंस होता है। और दोस्तों कल हम लोग समझेंगे सिंगल और डबल कोटेस और भी HTML के बारे में हम लोग समझेंगे। ये HTML का फर्स्ट सीरीज था, इसको ध्यान से देखिएगा। कल HTML का सेकंड सीरीज आएगा जिसमें आपको सिंगल और डबल कोटेस बहुत सारे टैग हैं वो मैं बताऊंगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद अगर आपके लिए यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।